हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो करते हैं आज की व्लॉग की शुरुआत। आज का सीन कुछ ऐसा रहने वाला है। आज हम लोग आ गए हैं सोगामा से नीचे मड़बल। आज यहीं पर माल की भर्ती करनी है। तो फिलहाल मैं और फारूक अहमद आ गए हैं, बाकी बंदे नहीं आए हुए हैं। फिलहाल कर रहे हैं हम का इंतज़ार। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आज के माल का कुछ सीन। तो ऊपर से रात को बारिश भी पड़ी थी, तो बारिश की वजह से माल गीला भी हो गया है। अभी देखते हैं क्या रहेगा आगे का प्रोसेस। तो स्टे ट्यून गाइस। तो गाइस ये रहा माल का कुछ सीन। इसके ऊपर त्रिपाला भी था लेकिन फिर भी गीले हो गए हैं, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्रेट वगैरह है, उनमें माल भर के हैं। तो अरे ये रही पेटियाँ, ये भी गीली हो गई थी क्योंकि बारिश की वजह से। तो फिलहाल हम लोगों ने इनको रखा साइड में। अभी धूप भी कम निकली, पहले धूप निकलनी चाहिए अच्छी तरह, फिर ये सूख जाएंगे। तब तक बाकी लोग भी आएंगे, तो स्टे ट्यून गाइस। गाइस फिलहाल बाकी बंदी भी आ गए, आप लोग देख सकते हो गया आज इनका काम स्टार्ट। और ये रहा अपना बिलाल भाई भी। तो बड़ा बिलाल भाई आज नहीं आया है फिलहाल, पता नहीं वो कहाँ गया है। तो आज कराए ग्रीडिंग छोटा बिलाल। तो फिलहाल कर लेते हैं काम स्टार्ट, तो स्टे ट्यून गाइस। तो गाइस फिलहाल काम चल रहा था कंटिन्यू ही, तो फिलहाल चाय चाय भी हो गई। ये रहा अपना बिलाल भाई भी, फिलहाल कर लेते हैं फिर से काम स्टार्ट, तो स्टे ट्यून गाइस। हद तोड़ मेहनत ने कर दे, राजी खुशी लैन पिछों कर दे। तो गाइस फिलहाल कर लिया यहाँ पर मुकम्मल, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पीछे से। हम लोगों ने 5 लेयर वाला ग्रेड किया कंप्लीट, अभी 4 लेयर वाला है। उसमें एक दो पेटियाँ थी, बिलाल भाई और उसका भाई भर रहा है 4 लेयर वाला। तो बिलाल, छोटा बिलाल और मैं बैठे हुए थे 5 लेयर पे, हम लोगों ने किया कंप्लीट। तो फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बिलाल भाई क्या कर रहा है, स्टे ट्यून गाइस। गाइस ये आप लोग देख सकते हो गया फिलहाल मुकम्मल, वो वहाँ पर था 5 लेयर वाला ग्रेड, वहाँ पे हो गया मुकम्मल, यहाँ पे 4 लेयर वाला ग्रेड। तो बिलाल भाई भी भर रहा है इस टाइम 4 लेयर वाला, इसने ग्रेडिंग की थी कंप्लीट, फिर ये भी बैठ गया था 4 लेयर भरने, आप लोग देख सकते हो। तो फिलहाल कर लेते हैं यहाँ पे पैकअप वैकअप, तो स्टे ट्यून गाइस। हद तोड़ मेहनत ने कर दे, राजी खुशी लैन पिछों कर दे। तो गाइस वहाँ से फिर हम लोग निकल गए थे, जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो फिर खान भाई भी आया था, लोडिंग शोडिंग भी की थी कंप्लीट, फिलहाल खाना शाना भी हो गया। तो हम घर पहुँच गए थे, अभी घर के पास ही था दूसरा माल, तो फिर घर में ही खाना खाया आज। तो फिलहाल मैं पहुँच गया दूसरे बाग में यहीं पे, जो घर के नज़दीक है। तो फिलहाल कर लेते हैं यहाँ पे काम स्टार्ट, तो स्टे ट्यून गाइस। तो गाइस ये रहा इस बाग का कुछ व्यू, आप लोग देख सकते हो। गाइस ये रहा दूसरी जगह के माल का कुछ सीन, आप लोग देख सकते हो। तो ये रहा अपना दानिश भाई, ये फिलहाल बना रहा है बॉक्सेस क्योंकि यहाँ पर भी अभी भर्ती होगी स्टार्ट। वहाँ से चल रही है कटिंग, और फिलहाल भाई बैठ गया अपनी पोजीशन पे ग्रेडिंग पे। तो यहाँ पर डलेंगे ग्रेड, ये रहा 4 लेयर वाला ग्रेड, ये रहा 5 लेयर वाला ग्रेड। तो फिलहाल मैं कर लेता हूँ इसकी हेल्प। तो दानिश भाई भी तापड़ तोड़ पेटियाँ बना रहा है, तो फिलहाल कर लेते हैं काम, तो स्टे ट्यून गाइस। तो गाइस हमने दूसरा बैलट भी मंगवाया था छोटे बिलाल के लिए, क्योंकि इसने बोला मेरे लिए भी लाओ। तो अभी वो पार्सल आ गया है, बिलाल भाई कर रहा है अनबॉक्सिंग खुद। मुझे लगता है खाली डिब्बा है, डब्बे में कुछ भी नहीं है, डब्बे में ये बैलट है, ये है ना, ये है, 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 है। पता नहीं अच्छा है कि वो है क्या है, तो है क्या करते हैं इसको, ऐसे करना पड़ता है, इसको ऐसे खोलना है
देखो कैसे लगाना है इसको, मैं दिखाऊंगा आपको। अभी बिलाल भाई इसको ट्रेनिंग दे रहा है कैसे पहनते हैं, आप लोग देख सकते हो गाइस। खींचो खींचो बिलाल भाई, मुझे एक बात बताओ, ये फारूक अहमद क्या बोल रहा है रोज रोज तुम्हें, तुम कुछ नहीं करते हो यहाँ बैठे रहते हो, ये क्या मसला है? देखो मेरे भाई, पिछली बार भी एक आदमी आया था, उसका नाम था नज़ीर। अच्छा, मैं चारता पैकिंग कर रहा था, वो आया था, उसने बोला कि आप उठो, मैं भर दूंगा चारता वाला। मैंने बोला चलो ठीक है, मेरे से सीनियर होगा, मैं उठ गया। फिर जो जब वो बैठ गया, वो जब वो भरने लगा सेब, तो समझो अगर हम इस तरह भरेंगे, अच्छा वो इस तरह भरता था। मैंने उसको बोला कि इस तरह मत भरो, इस तरह करो, उसको वो उसका रंग जो है ना चेहरे का, वो चेंज हो गया। बोला कि मुझे पता नहीं है, आप मुझे सिखा। मैंने बोला फिर तूने मुझे क्यों बोला कि आप उठो? वही बादशाह मुझे फारूक बोल रहा है, ना इसको कैंची आती है, ना इसको गेयरिंग आती है, ना पैकिंग आती है। अच्छा, इसको बोलता हूँ पेड़ पर चलो, बोलता हूँ मेरे कमर में दर्द है, हाँ इसको बोलता हूँ चलो मत करो काम, तो इसके लिए भी एक बैलेट मंगवाना। एक बात सुनो, इसको बोल रहा हूँ चलो सीढ़ी पर चलो, बोलता है कि मुझे कमर में दर्द है। मुझे पता नहीं, ये कोई भी काम इसको हम बोलते, बोलता है कमर में दर्द है। अब इसको बोलो चलो पैकिंग करेंगे, हाँ मैं भी करूँगा, ये भी करेंगे पैकिंग, देखते हैं कौन ज़्यादा पेटियाँ भरेंगे। हमने सब लोगों ने यहाँ पर सुना, इसने बोला ये कुछ नहीं करता है, बैठा रहता है। भाई फिलहाल कर लिया दूसरी जगह भी काम स्टार्ट, बिलाल भाई भी बेल्ट पहन के एकदम कड़क मूड में, आप लोग देख सकते हो। तो फिलहाल कर लेते हैं काम। तो गाइस काम चल रहा था कंटिन्यू ही, तो फिलहाल चाय हो गई है रेडी, आज चाय यहीं बनाई है, तो फिलहाल पी लेते हैं चाय। तो स्टे ट्यून, ये रहा चाय का कुछ सिस्टम, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस ये रहा माल का कुछ सीन, इतना माल बचा हुआ है। ये रहा यहाँ से ग्रेडिंग करके, ये रहा 4 लेयर 5 लेयर वाला ग्रेड, और यहाँ से टाला शाला भी करके रखा। तो ये रहा कुछ माल, तो अभी इसको कल करेंगे फिर से स्टार्ट, तो स्टे ट्यून गाइस। कर लिया फिलहाल आज इनका काम भी मुकम्मल, तो फिलहाल कर लेते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।